आशीर्वाद हॉस्पिटल एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर सर्व सुविधा युक्त विश्व स्तरीय IVF लैब सुलभतम पैकेज में अधिकतम सफलता के साथ विश्व स्तरीय IVF यूनिट एडवांस सुविधाओं के साथ अधिकतम सफलता दर EMI पेमेंट का विकल्प आप पर आर्थिक बोझ कम करता है। आशीर्वाद हॉस्पिटल में मातृत्व सुख की अधिकाधिक संभावना के कारण है IUI, IVF, ICSI और सरोगेसी जैसे विकल्प। आशीर्वाद हॉस्पिटल एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर जहां सपने होते हैं साकार। नमस्ते मैम, एक क्वेश्चन था, मासिक धर्म बंद होने के बाद में भी प्रेगनेंसी हो सकती है क्या, और उसके लिए हम क्या करें, कब डॉक्टर से मिले, कैसे मिले? देखो, मासिक धर्म बंद होने को हम कहते हैं मेनोपॉज, ठीक है। अब मासिक धर्म बंद होने के कई कारण हो सकते हैं। मासिक धर्म एक तो है कि नेचुरल तरीके से होता है, जैसे कि उम्र के साथ में 45-40 साल की उम्र हुई और उसके बाद में मासिक धर्म बंद हो गया। दूसरा ये होता है कि प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर होता है, समय से पहले जो हार्मोन्स है, जो ओवरी का फंक्शन है, वो धीरे धीरे बहुत कम हो जाता है और मासिक धर्म महिला का बंद हो जाता है। बहुत बार बहुत कम उम्र की भी महिलाओं में, ये 30-32 साल में भी देखा गया है कि मासिक धर्म धीरे धीरे कम होते होते बंद हो जाता है, जिसको कि हम प्रीमेच्योर मेनोपॉज या प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर कहते हैं। तो अगर किसी महिला का मासिक धर्म बंद हो चुका है और वो प्रेगनेंसी चाहती है, मासिक धर्म बंद हो गया है, मेनोपॉज हो चुका है या प्रीमेच्योर मेनोपॉज हो चुका है, तो उसमें जो अंडाणु बनने की क्षमता है वो खत्म हो जाती है। तो उसके लिए उनके पास बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, जिसको कि हम एग डोनेशन कहते हैं। इसमें क्या रहता है कि उनका प्रोफाइल मैच करके, ब्लड ग्रुप मैच करके, हम लोग एक डोनर सेलेक्ट करते हैं। एक डोनर के भी सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है, उसकी उम्र हम लोग 24-25-26-30 के अंदर होना चाहिए, कम से कम एक हेल्दी बच्चा होना चाहिए, उसके सारे वायरल मार्कर टेस्ट करते हैं, किसी प्रकार का कोई जेनेटिक डिजीज तो नहीं है, इमोशनली मेंटली वो बिल्कुल फिट होना चाहिए। ऐसा डोनर सेलेक्ट करके हम स्टिमुलेट करके उसके अंडे निकालते हैं लैब में, और उस एक को लेकर जो महिला जिसको गर्भ धारण करना है, उसके पति का वीर्य लेकर उसको लैब में फर्टिलाइज करते हैं, और फर्टिलाइज करने के बाद जब भ्रूण तैयार हो जाता है तो उसको महिला के गर्भ में प्रत्यारोपित किया जाता है। लेकिन क्योंकि मासिक धर्म बंद हो चुका है तो उसके बच्चेदानी की क्षमता भी कम हो जाती है, तो उसके लिए हमको ट्रीटमेंट करके महिला का मासिक धर्म वापस चालू करना होता है। मासिक धर्म चालू करने के लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, उसके लिए हम कई बार एंडोस्कोपी की जांच करते हैं, जिसे कि हम हिस्टेरोस्कोपी कहते हैं, और उसमें ये पता चलता है कि गर्भाशय में अंदर कैविटी में कहीं पे कोई समस्या तो नहीं है, और वो समस्या अगर है तो उसको दूर करके उसके महीने को चालू करने के लिए दवाई दी जाती है मासिक धर्म के लिए, और जब उसका लाइनिंग अच्छे से तैयार हो जाता है तब हम भ्रूण को प्रत्यारोपित करते हैं। और इस तरीके से हमारे यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं, 48 साल 50 साल की उम्र में भी जो महिलाएं माँ बनी हैं, वो बहुत महिलाएं माँ बनी हैं। अभी कुछ दिन पहले एक महिला जो है 49 साल की उम्र में ट्विंस बच्चे लेकर गई है। साइंस में इतनी टेक्नोलॉजीज आगे आ गई हैं कि किसी भी स्टेप में निराश होने की जरूरत नहीं है, बस जरूरत है तो समय रहते सही कदम उठाने की, सही सेंटर में जाने की और सही उपाय करने की।